सो हे वेलकम बैक टू गाइज माई चैनल यू प्रोडक्शन वालों में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो फाइनली जयेश भाई जोरदार का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, रणवीर सिंह, शालिनी पांडे एंड ये 13 मई को आने वाली है। तो इसका हम ट्रेलर पर रिएक्शन देंगे। इसके मैंने डेट अनाउंसमेंट पे भी रिएक्शन दिया था, टीजर इसका आया नहीं था। तो पहले देखेंगे क्या है मूवी के अंदर, क्या स्टोरी इस बार दिखाई गई है। बट अब बॉलीवुड मूवियों से इतनी एक्सपेक्टेशन हमारी रही नहीं है जब से RRKGF कौन कौन सी बड़ी बड़ी मूवी आ चुकी हैं। बट कोई बात नहीं, बॉलीवुड भी अपना ही है तो उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर भी अपना रिएक्शन देंगे और वहाँ की मूवियों को भी थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा, वरना पता लगा बॉलीवुड ख़त्म ही हो जाए थोड़ी देर में। तो सपोर्ट करिए बॉलीवुड को भी, नहीं कोई मेरा वो नहीं है बट अपनी इंडस्ट्री है, मतलब अपनी देखते हैं तो अपने उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं है कि हमारी बॉलीवुड में अच्छी फिल्म नहीं बनती, बनती हैं। तो देखते हैं क्या स्टोरी लेकर आए रणवीर सिंह इस बार। तो लेट्स प्ले। साहब, हमारी स्कूल के सामने लड़के लोग दारू पीकर लड़कियों को परेशान करते हैं। अब दारू पर रोक लगा दीजिए ना। ओके। साबुन पे रोक लगानी होगी। साबुन पे? अगर हमारे गांव की लड़कियां ये खुशबू वाले साबुन से नहाएंगी तो हमारे लड़के जोश में आएंगे ही ना। इसी बात पर सिर हिलाना कंपलसरी है। आइए देखिए और क्या क्या कंपलसरी है मेरी दुनिया में। ये मेरे बापूजी और गांव के सरपंच हैं, इनके बाद मेरा नंबर आएगा और मेरे बाद कौन आएगा इसी का टेंशन है भाई। मेरी वाइफ पेट से है। देखना इस बार नान का ही आएगा। हमारे घर को कुल दीपक देंगे ना। इनका सिर हिला तो लड़का और नहीं हिला तो। बापू आपको क्या चाहिए, नानकी की नान का? मंदिर में जाते हैं, वहाँ हमको पूछते हैं क्या प्रसाद में क्या लोगे, लाडू या सिरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं। लेकिन ये बात जरा बाजा को समझाओ ना। ये फटाकड़ी मेरी बेटी है, समाज इसको थोड़ी ना सरपंच बनने देगा। उनको तो बस कुल दीपक चाहिए। डॉक्टर बोली जय श्री कृष्णा मतलब लाला ही आएगा, और अगर डॉक्टर बोली जय माता जी मतलब पनौती निकली तो निपटा देंगे। जय माता जी। माता जी लागी क्या? क्या होगा हमारा? होगी बच्ची होगी। जबरा रिक्स ले लिया है, अब सब माड़ी के भरोसे। ना ही मीट और ना ही नीट, बस खाए शौक से दलिया रे। बाबूजी ने भाभी का फोटो और गाड़ी का नंबर सब जगह भेज दिया है, पुलिस को भी। एक वारिस नहीं दे पाई। ये नई पड़ोसी पैदा करने के लिए हद पार कर दी। आप मुझे छोड़ दो, एक वारिस तक नहीं दे पाई मैं आपको। लड़का या लड़की देना पुरुष के हाथ में होता है। आज तक मैं तुझे लड़का दे पाया नहीं ना, तो उस हिसाब से मैं मर्द ही नहीं हूँ। हम सब आपके साहस की दाद देते हैं। जोश भाई जोरदार, आप मेरे हीरो, पर अब आपको एक्शन हीरो बनना पड़ेगा। जोश भाई जोरदार, काट दूंगा मैं अपना। ओहो, मतलब ट्रेलर तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, मतलब काफ़ी हंसी मजाक वाला था। पर जो टॉपिक है वो काफ़ी सीरियस वाला है, जो उसमें बताया गया है ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है जिस बात के ऊपर अपने इंडिया के अंदर सब कुछ चलता ही रहता है। बट ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मूवी, और ये हंसी मजाक तो देखो रणवीर सिंह काफ़ी अच्छा करते ही हैं, एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं। तो काफ़ी हद तक ट्रेलर काफ़ी बढ़िया था, और जो टॉपिक इस बार लिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा ही है। तो वो तो नेक्स्ट मंथ ही पता लगेगा जब 13 मई को ये पिक्चर आएगी। अपने बॉलीवुड में भी अब धमाका होने स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि अभी पहले तो आएगी कौन सी थी वो, मैं भूल गया उसका नाम, जर्सी शाहिद कपूर की, वो भी देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ तो कई सारी मूवी आनी है, भूल भुलैया आनी है, और अपने कंगना रनौत की
धाकड़ आनी है एंड ये आएगी जयेश भाई जोरदार। तो काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म अब बॉलीवुड के अंदर भी आने वाली हैं, तो उन्हें हम देखेंगे और उस पर अपना रिएक्शन रिव्यू देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा मेरा रिएक्शन जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।